मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। उत्तराखंड यूपी समेत 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश, जानिए अपने यहाँ के मौसम का हाल। अगस्त महीने मॉनसून सुस्त रहने के बाद अभी शांत बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी के बीच आज देश के कुछ हिस्सों में हल्की कहीं तेज बारिश का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार मॉनसून हवाओं का एक क्षेत्र हिमाचल की तलहटी के नजदीक चल रहा है। वहीं निचले शोभ मंडल क्षेत्र में आंध्र प्रदेश तट के दूर पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 4 सितंबर के आसपास एक ताजा चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बनने के आसार हैं। इसी बीच आईएमडी ने आज कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी का पूर्वानुमान जताया है। आज से देश के पूर्वी और पूर्वी मध्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। केरल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में आज भी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में तापमान 28 डिग्री से 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। दिन की थोड़ी हवा तेज चल सकती है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली NCR के मौसम के मिजाज में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज कई इलाकों में हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो की सक्रियता बढ़ने लगी है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर से सामान्य से कम बारिश तो पश्चिम व दक्षिण पूर्वी राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। 5 सितंबर के बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा और 5 और 6 सितंबर को पश्चिमी यूपी में एक दो स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी और उससे सटे बिहार के इलाकों में अभी चक्रवाती हवाओं का दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। 2 और 3 सितंबर को भी पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वी यूपी में इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 4 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जगहों पर बारिश, 5 सितंबर को पश्चिमी यूपी में एक दो स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 6 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। 7 सितंबर को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मॉनसून द्रोणिका के दोनों छोर वर्तमान में हिमालय की तलहटी में बने हुए हैं, इस वजह से मॉनसून शिथिल बना हुआ है। मॉनसून वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियां सक्रिय होने लगी है। बंगाल की खाड़ी में भी 3 सितंबर को हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बनने जा रहा है, जो 4 सितंबर को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। इसके प्रभाव से 4 सितंबर को मध्य प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि 3 सितंबर को उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बनने जा रहा है। अगले दिन इस मौसम प्रणाली के कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके असर से 4 सितंबर से पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। रुक रुक कर वर्षा का दौर 4 से 5 दिन तक बना रह सकता है। आपको बता दें, मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।